गुड आफ्टरनून एवरीवन. अभी लाइव नाउ, क्या हम लोग अभी लाइव हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइज. फटाफट से स्टार्ट करते हैं. हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. Okay, so hi everyone. This is Sheeta Sharma, your GK faculty on OliveBoard and welcome to OliveBoard guys. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज IBPS PO, क्लर्क एंड IBPS SO का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है. तो कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. यहाँ पर ऑलिवुड वाईटी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना. डेली मेरी क्लास होती है 12 PM पर. इसके अलावा ऑलिवुड ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना. लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो NICL असिस्टेंट मेंस के लिए कंप्लीट GA बैच आ चुका है आपका. NICL AO मेंस के लिए भी कंप्लीट GA बैच आ चुका है. दोनों में से जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो GA का आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. इसके अंदर मैंने कवर किया है स्टैटिक GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस मिलेंगी आपको. इसके अंदर आपको इंश्योरेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड अवेयरनेस की क्लासेस मिलेंगी. प्लस इसके अलावा जितना भी करंट अफेयर्स है वो आपका जनवरी मंथ का, फेब्रवरी मंथ का, मार्च मंथ के अलावा दिसंबर मंथ तक का भी यहाँ पर आपका सेपरेट मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा. इसके अलावा एक कंबाइंड मैराथन सेशन इसके अंदर आपको मिलेगा. कंबाइंड मैराथन जिसमें आपको दिसंबर से लेके मार्च तक के जितने भी यहाँ पर इंश्योरेंस रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड अदर करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा. एंड यहाँ पर शीतल कोड आपको अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन बोथ दीज बैचेस. तो दोनों बैचेस पे मैक्सिमम डिस्काउंट शीतल कोड से मिलेगा. इसके अलावा जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बहुत ही कम मार्जिन से यहाँ पर इस बार बैंकिंग के जो IBPS के एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं हुए हैं, वो बैंकिंग ऑफिसर बैच यहाँ पर ले सकते हैं ताकि आपका अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पर हो सके. अपकमिंग साइकिल के अंदर 2024 के अंदर आप अपने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाओ. सो शीतल कोड अप्लाई करो इस बैच के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए. यूट्यूब क्लास का PDF कहाँ से मिलेगा? तो ऑलिवुड ऐप पर जाकर कोर्सेज सेक्शन में जाना, यूट्यूब क्लास PDFs में से आप डाउनलोड कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली इन Feb 2024 लॉन्च बाय द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड SpaceX Falcon 9 रॉकेट टू स्टडी द अर्थ, ओशियन, क्लाइमेट एंड एयर. ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर पेस. सो 8 February 2024 को नासा ने पेस लॉन्च किया. पेस का फुल फॉर्म देख लो, P फॉर प्लैंकटन, A फॉर एरोसोल, C फॉर क्लाउड एंड E फॉर ओशियन इकोसिस्टम. ठीक है, ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो यहाँ पर ओशियन की हेल्थ, एयर क्वालिटी के साथ साथ इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर उसमें जज करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी, स्टडी करेगी एंड देन यहाँ पर बताएगा पेस के थ्रू. तो पेस जो है वो SpaceX का Falcon 9 रॉकेट जो है उसके थ्रू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में यहाँ पर भेजा गया फ्रॉम द स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 एट Cape Canaveral स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा USA. सो आपको जो चीज़ याद रखनी है, दिस वॉज द 4th फ्लाइट ऑफ Falcon 9 फर्स्ट स्टेज बूस्टर supporting this mission which was previously launched Crew-7 CRS-29 and one Starlink mission also. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन एवरीवन. चलो फटाफट से आंसर करो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा. ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमने नहीं किए थे, फेब्रवरी मंथ के अंदर रह गए थे, तो मैंने सोचा इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ताकि कुछ भी मिस ना हो आप लोगों के लिए. ओके ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट है। ये सारे के सारे क्यों करेक्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ में, और ये ले रहे हैं प्रोक्योर कर रहे हैं यानी कि खरीद रहे हैं 11 ऐसे जो शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है शक्ति EWS, वो खरीद रहे हैं अलॉन्ग विद एसोसिएटेड इक्विपमेंट एसेसरीज फॉर द इंडियन नेवी एट अ कॉस्ट ऑफ 2167.47 करोड़ रुपीज़। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है इनको डिज़ाइन एंड डेवलप किया है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी बेस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 1752 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट विद एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ 463 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में 1752 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और ये एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEIL जो है ये कहाँ पर बेस्ड है? कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर बेस्ड है, और ये बेसिकली यहाँ पर स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स बनाएंगे, वो भी 12.7 mm के, और टोटल कितने ऐसे गन्स बनाने वाले हैं वो भी इंडिजीनियसली भारत के अंदर ही, यहाँ पर हमारी जो मेड इन इंडिया 100% उसके तहत। सो 463 जिसको यूज़ किया जाएगा बाय इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली इन फेब्रुअरी 2024 won the 2023 wildlife photographer of the year 59 people's choice award by the Natural History Museum लंडन यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर क्या होगा? नीमा सरीखानी। ठीक है, इनको क्या मिला है यहाँ पर? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, पीपल चॉइस अवार्ड बाय द नेचुरल म्यूजियम हिस्ट्री म्यूजियम विच इज़ बेस्ड इन लंडन यूके के अंदर। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने पोलर बेयर स्लीपिंग हु इज स्लीपिंग पीसफुली ऑन अ स्मॉल आइसबर्ग, ये बेसिकली फोटो इन्होंने क्लिक किया था। नेक्स्ट है आपका, नेम द पर्सनैलिटी दैट हैज़ रिसेंटली कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होगा करेक्ट आंसर इधर? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीटी ऊषा। सो पीटी ऊषा जो है उनको क्या मिला है यहाँ पर? आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट हैं पीटी ऊषा ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, एंड यहाँ पर पीटी ऊषा को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक इवेंट हुआ था नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली के अंदर, प्रोग्राम वॉज को होस्टेड बाय दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जहाँ पर पीटी ऊषा बनती है 5th रेसिपिएंट ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जो यहाँ पर है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की गोल्ड मेडल विनर जो है वो 5th रेसिपिएंट बनी है, 5वीं इस टाइप की प्राप्तकर्ता बनी है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल एंड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल। ये स्पोर्ट्स स्टार एसीज अवार्ड 2024 के बांटे गए, जिसमें स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में किसको बोला गया, फीमेल कैटेगरी में किसको बोला गया? तो आंसर क्या होगा मैम? ऑब्वियसली इन दोनों ने यहाँ पर 2023 के अंदर कमाल किया है, एंड नन अदर दैन नीरज चोपड़ा इन द मेल कैटेगरी एंड शीतल देवी इन द फीमेल कैटेगरी। अभी रिसेंटली शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कौन सा आइकन बनाया है, आप मुझे बता सकते हैं क्या कॉमेंट सेक्शन के अंदर? थैंक्स मैम फॉर योर सपोर्ट इन माई सिलेक्शन इन IBPS क्लर्क, वंस अगेन थैंक्स, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस विकास, एंड इट्स योर हार्ड वर्क एंड यू डिजर्व्ड इट, यू रियली वर्क हार्ड फॉर इट। तो बहुत अच्छा है, एंड आई एम ग्लैड कि मैं आपकी जर्नी का पार्ट बन पाई। ओके ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रहेगा शीतल देवी के बारे में। शीतल देवी जो है इनको यहाँ पर नेशनल यूथ PWD आइकन बनाया गया है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन बनाया गया है। शीतल देवी पैरा आर्चर हैं, आर्मलेस आर्चर हैं, यानी कि तीरंदाजी करती हैं पैरों से। अब अर्जुन अवार्ड ही है इस बार का 2024 में, अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है शीतल देवी को, और ये स्पोर्ट्स स्टार एसीज अवार्ड के अंदर स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर जीती। शी ऑल्सो वॉन द मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर करो, आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकेंड टू आंसर दिस। हेलो सोनू, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी। सो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ये अवार्ड हुआ करता था जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स के टाइम पर दिया जाता था। इसके अंदर से ये जो इंदिरा गांधी है ना, ये शब्द हटा दिया गया और इसको बना दिया गया ओनली बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, तो ये एकदम करेक्ट बात है। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, इसको भी यहाँ पर रीनेम कर दिया और क्या बना दिया, बेस्ट फीचर फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। पहले नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नरगिस दत्त अवार्ड मिलता था, उसके अलावा आपका सोशल वैल्यूज़ के लिए अलग अवार्ड होता था, इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ के लिए अलग अवार्ड होता था। इन्होंने क्या कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया, यानी कि तीन अवार्ड को कंबाइन करके एक अवार्ड बना दिया। तो यहाँ पर क्या ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। फिर इन्होंने बोला कि प्राइज मनी फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख रुपीज़। 10 लाख से 20 लाख किया है, नहीं मैम 10 से 15 किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इंदिरा गांधी अवार्ड के अंदर दिया जाएगा एक स्वर्ण कमल और कैश अवार्ड 3 लाख विच विल बी प्रेजेंटेड टू द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। और जो आपका बेस्ट डेब्यू फिल्म की बात कर रहे हैं हम, ऐसे ही बेस्ट फीचर फिल्म जो ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, इसका यहाँ पर जो नाम किया गया है नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़ जो है, उसका अमाउंट भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक हेल्ड एट गोवा इन फेब्रुअरी 2024। आंसर करो फटाफट से। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा था गलत क्या है, इनकरेक्ट क्या है, तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनवेल किया है पहला इंडिजीनियस अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर इन इंडिया। तो अगर ये गलत है तो फिर सही क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइजर किसने, मैम इंडियन ऑयल ने नहीं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पर किया है। अब बात करते हैं इधर, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक वॉज हेल्ड फ्रॉम 6 to 9 Feb 2024 एट द इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन साउथ गोवा, गोवा के अंदर। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने एक रिपोर्ट निकाली, नाम दिया उस रिपोर्ट का इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030, जिसमें इसने ये बोला, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, बीच का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है उसको छोड़ देते हैं। अगर छोड़ दोगे तो फिर वो छूटा ही रह जाएगा, यहाँ पर ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करें हम यहाँ पर, इंडिया इज सेट टू बिकम द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ फ्रॉम 2023 टू 2030। ये कह रहा है इंडिया जो है अकेला सबसे बड़ा सोर्स ग्लोबल ऑयल डिमांड, यानी कि अकेला ये सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर ऑयल की, तेल की डिमांड कर रहा होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। 2023 से लेकर 2030 के अंदर इसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा, सिंगल लार्जेस्ट ग्रोथ। नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स जो है उन्होंने रिपोर्ट निकाला, टाइटल LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। इंडिया साइंड बिगेस्ट एवर डील वर्थ $78 मिलियन टू एक्सटेंड LNG इम्पोर्ट्स फ्रॉम कतर फॉर 20 ईयर्स। तो इंडिया ने एक सबसे बड़ी डील साइन किया। अब देखो हर एक चीज़ इसमें हम जो पढ़ रहे हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अगर आप लोग इसको स्किप करोगे तो फिर दिक्कत होगी होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो एक एक चीज को अच्छे से याद रखो। तो यहाँ पर देखते हैं नीति आयोग और एम्बेसी ऑफ द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, हमने देखा कि इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। अब इसके बाद इंडिया ने सबसे बड़ा डील साइन किया $78 बिलियन का, LNG इम्पोर्ट्स फ्रॉम कतर फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, LNG इम्पोर्ट्स जो है वो कतर से 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए LNG इम्पोर्ट्स जो है वो कतर से यहाँ पर लेने वाले हैं, और वो भी $78 बिलियन के वर्थ के। तो ये इससे बड़ा डील हुआ ही नहीं है जो इंडिया ने साइन किया हो। और ये 20 साल कब से कब तक शुरू होंगे, 2029 से लेके 2048 तक। तो LNG इम्पोर्ट हम कतर से करने वाले हैं, वो भी 20 सालों के लिए, 2029 से 2048 तक। और अभी फ़िलहाल में जो करंट रेट चल रहे हैं उससे लोअर रेट पर ये साइन किया गया है $78 बिलियन का सबसे बड़ा डील। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सबसे पहला इंडिजीनियस अल्काइन इलेक्ट्रोलाइजर्स इंडिया के अंदर क्या किया है, यहाँ पर अनवेल किया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है साइंड MOU विद 2 टेक्नोलॉजी पार्टनर्स टू सेटअप 19 CBG प्लांट्स अक्रॉस दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अंदर ऐसे 19 CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं 2 टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ में। किसने ज्वाइन किया है, किसने MOU साइन किया, दैट इज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इन फेब्रुअरी 2024 यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला granted income tax exemptions for the dairy cooperative society under the Income Tax Act of 1961. Surcharge on cooperative society income ranging from 1 crore rupees to 10 crore rupees has been decreased from 12% to how much percent? ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7%। सो फेब्रवरी 2024 के अंदर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज जो है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने बोला कि इनकम टैक्स की छूट दी जाएगी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। सरचार्ज जो लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की इनकम में, विच रेंजेस फ्रॉम 1 करोड़ to 10 करोड़। अगर मान लीजिए कि किसी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में रहता है तो उसका उसके ऊपर सरचार्ज लगता था, यानी कि जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था वो था 12%। ठीक है, अब उसको घटा के कर दिया कि आपसे महज यहाँ पर 7% लिया जाएगा अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम है। तो अब आपको याद रखना है कि ये जो इनको डिडक्शंस या कह सकते हो कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस या टैक्स रिलैक्सेशन मिल रही है वो कौन से सेक्शन के तहत मिल रही है, सेक्शन 80P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1961 में जो इनकम टैक्स आया था उसके सेक्शन 80P के तहत प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी सप्लाइंग मिल्क टू द फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80P। और इनका जो इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जो 12% सरचार्ज इनके ऊपर लगता था अब कितना लगेगा, 7% लगेगा। तो यानी कि एक तो सरचार्ज पर भी आपको यहाँ पर छूट मिल रही है, कुछ कम हो चुका है, और दूसरी चीज़ कि आपको इनकम टैक्स पर भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रही है, एग्जम्पशंस मिल रही हैं। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली इन फेब्रुअरी 2024 इशूड द स्कीम गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इशूड स्कीम गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट फॉर द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर यूज़ करना है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक स्कीम निकाली है अबाउट द गाइडलाइंस की कैसे ये पायलट प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर जो सैंक्शन है वो भी यहाँ पर किया है। ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन DAY NULM टू ऑर्गेनाइज अ 2-day नेशनल वर्कशॉप ऑन अर्बन लाइवलीहुड्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? UNDP यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसने UNDP के साथ में मिलकर क्या किया है? कोलैबोरेट किया है। 2 दिन का नेशनल वर्कशॉप लगाने वाले हैं अर्बन लाइवलीहुड्स के ऊपर फ्रॉम 15 to 16 फेब्रुअरी 2024, कहाँ पर? रांची, झारखंड के अंदर। अभी इस इवेंट के दौरान जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है UNDP इंडिया के लिए दैट इज़ इजाबेल शैन, तो उन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंस हाईलाइट किया ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11। क्या है वो? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो आपको याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन फेब्रुअरी 2024 डैश बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च CM जन आरोग्य योजना a universal health insurance scheme for all. Thank you ma'am, your revision classes are very helpful. I am also selected, got BOB. Congratulations Priyanshi, many congratulations. हाँ, अब लगता है ये इस फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिपुरा. सो इन फरवरी 2024 त्रिपुरा बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च सीएम जन आरोग्य योजना. एंड ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर एवरीवन. सो ये आपको याद रखना है कि त्रिपुरा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है सीएम जन आरोग्य योजना. एंड इस स्कीम जो है ये एक मेगा इवेंट के थ्रू यहाँ पर अगरतला त्रिपुरा में लॉन्च किया गया था. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पर फैमिली कितने लाख का कवरेज देती है? 5 लाख रुपीज़ मेडिकल इंश्योरेंस पर फैमिली एनुअली, ठीक है. और इससे यहाँ पर त्रिपुरा की 4.15 लाख फैमिलीज़ को बेनिफिट हुआ है. मोस्ट वेलकम प्रियांशी, नमस्ते रितेश, कैसे हैं आप? यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट प्रियांशी. एंड वैसे भी प्रियांशी ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में रेगुलर है और प्रियांशी ने एक्चुअल में बहुत अच्छे से तैयारी की है, एक भी क्लास मिस नहीं किया है, सारी क्लासेस अटेंड किए हैं और बहुत सिंसियरली पढ़ा है. तो मैं तो बोलती हूँ आप लोगों को कि जितने सिंसियर हम लोग अपने काम के प्रति रहते हैं उतना ही सिंसियरिटी के साथ में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं. और वो पता है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक दिन का वायरल वाली चीज़ होती है ना, जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि एक दिन का किस्मत कुछ प्लंज कर गया. जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, जो शॉर्टकट के थ्रू ग्रोथ आती है वो बहुत शॉर्ट टर्म रहती है. सो समवेयर डाउन द लाइन आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और जितना ऑनेस्ट रहते हो उतने ही ऑनेस्ट आपको आउटकम मिलता है. सो इसी नोट पर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर देखती हूँ. विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च लोगो एंड वेब पोर्टल टू इंक्रीज द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट? ये कह रहे हैं हमें हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, ग्लोबल डिमांड डोमेस्टिक डिमांड दोनों चीज़ों के लिए. तो इसने लोगो और वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दैट इज़ केरला. सो आपको याद रखना है कि केरला के अंदर केरला ब्रांड का ही एक लोगो एंड वेब पोर्टल लाया गया है ताकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो केरला में बनाए जाते हैं उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके, उनकी क्वालिटी इंक्रीज यहाँ पर इंश्योर किया जा सके. सो लोगो ऑफ केरला ब्रांड कैरीज द मोटो नन्मा. तो केरला ब्रांड का जो मोटो है दैट इज़ नन्मा विच इज़ अ मलयालम एक्सप्रेशन विच ट्रांसलेट टू गुडनेस. नन्मा मतलब गुडनेस, अच्छाई, अच्छी क्वालिटी बताता है. सो ऑल द प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड विल बी इम्प्रिंटेड विद द वर्डिंग मेड इन केरला टू टैप इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट एज वेल. नेक्स्ट है इन फरवरी 2024 द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट, सबसे पहली ऐसी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटेड स्पीशीज रिपोर्ट निकाली गई विच वॉज रिलीज एट कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑन वाइल्ड एनिमल्स ऑन COP14 इन विच कंट्री. क्या होगा करेक्ट आंसर? कि देखो इस टाइप का पहला माइग्रेटरी स्पीशीज क्या होती है, आपने माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह देखे होंगे, प्रवासी पक्षी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते रहते हैं, इस सीजन वहाँ है, दूसरे सीजन कहीं और है. तो उनका जो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के जो माइग्रेटरी स्पीशीज है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं उनको कंजर्व करना भी तो इंपॉर्टेंट है. तो उनका कन्वेंशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कौन सी कंट्री में? उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है. तो ये इस टाइप का पहला स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज है. अब बात ये आती है कि ठीक है चलो ये रिपोर्ट आपने निकाला, तो ये जो आपका CMS COP14 है यानी कि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसको हम क्या कहते हैं? बॉर्न कन्वेंशन कहा जाता है इसको. और किस नाम से जाना जाता है? बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है. और ये रिपोर्ट, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में 12 से 17 फरवरी 2024 को. तो इसको कंजर्वेशन साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया है in collaboration with United Nation Environment Program वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, जिसको UNEP WCMC कहते हैं हम, एंड CMS ने मिलकर इसको यहाँ पर डेवलप किया है, ठीक है. अब बात आता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल डीप में जाके ना ये चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं कि जो UNCMS है उसने जितने भी स्पीशीज़ को कवर किया तो उसमें पता चला 82% लिस्टेड एज बीइंग इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन क्या होता है? विलुप्त होना. ये क्या होता है? एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाएंगी. तो ऐसी कितनी स्पीशीज़ हैं? 82% जितनी भी लिस्टेड इसमें स्पीशीज़ हैं उनमें से 82% तो मैम ऐसी हैं जिनको विलुप्त होने का पूरा भयंकर खतरा है. are threatened with 76% experiencing population decline. 82% में तो मैम खतरा है और उसमें 76% ऑलरेडी पॉपुलेशन डिक्लाइन देख रही है कि उनकी आबादी घटती जा रही है 76% की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकेंड टू आंसर दैट. फटाफट से आंसर करो. ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ए, बी एंड सी. ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू यूएई एंड कतर फ्रॉम 13 फरवरी टू 15 फरवरी. इसके बीच में इंडिया और यूएई के बीच में एक एमओयू साइन हुआ. किसके रिगार्डिंग हुआ? इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीआई एंड इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म. यूपीआई जो इंडिया का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है और आनी जो कि यूएई का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, AANI आनी. इंडिया और यूएई के बीच में इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ ऑन इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEEC. पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकोम जो कि वाइस प्रेजिडेंट ऑफ यूएई है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा किसका? भारत मार्ट एट जबेल अली फ्री ट्रेड जोन इन दुबई यूएई के अंदर. तो भारत मार्ट खोला गया कहाँ पर? जो जबेल अली फ्री ट्रेड जोन है दुबई यूएई का. एंड भारत मार्ट विल बी बिल्ट बाय डीपी वर्ल्ड, बनाने वाला है इसको. और पीएम मोदी ने दोहा कतर में जो 14 फरवरी को विजिट किया, कतर एमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल पार्टनर फॉर इंडिया विद टू वे ट्रेड करेंटली वर्थ हाउ मच बिलियन $US या 20 बिलियन. और इसके साथ में आपको याद है ना, $78 बिलियन $US का हमने क्या किया है? LNG इम्पोर्ट साइन किया है 20 इयर्स के लिए, 2029 से लेके 2048 तक, है ना. सबसे बड़ा डील है इस टाइप का. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग इधर. करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा. तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसने अभी Feb 2024 के अंदर लॉन्च किया है वन मित्रा स्कीम एंड पोर्टल, जिससे वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़ ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड को प्रमोट कर रहा है. नेक्स्ट है आपका नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द स्वतंत्र युवा उद्यमी स्कीम, जिसको स्वयं कहते हैं. गुड आफ्टरनून अंकुश, गुड आफ्टरनून प्रियांशी शर्मा. आई एम गुड, हाउ आर यू प्रियांशी शर्मा? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं, जिसका पूरा नाम है स्वतंत्रता युवा उद्यमी स्कीम. इससे इंटरेस्ट फ्री लोन्स अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड यूथ को प्रोवाइड किया जाएगा. अब आपको एक चीज़ याद है कि वेस्ट बंगाल ने भी इस टाइप का ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग फ्री देने का बोला था यूथ ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए. तो उस स्कीम का नाम बता सकते हो? उस स्कीम का क्या नाम है? एनीवन? योगेश्री, है ना, क्या आंसर होगा? योगेश्री इज द करेक्ट आंसर, जो वेस्ट बंगाल के अंदर शुरू की गई है। सो स्वयं की बात करते हैं, स्वयं है स्वतंत्रता युवा उद्यमी स्कीम। तो उड़ीसा गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी एलिजिबल यूथ है, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35, रूरल अर्बन एरियाज में रहते हैं उड़ीसा के अंदर, दे कैन अवेल लोन अप टू 1 लाख रुपीज़ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टू और टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग वन। वे स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च आशा किरण आई केयर एट योर डोर स्टेप स्कीम टू ऑफर फ्री आई केयर सर्विसेज टू फैमिलीज, यानी कि जो परिवार हैं उनको मुफ्त यहाँ पर नेत्र चिकित्सा सेवाएं दे सकते हैं। उसके लिए आशा किरण आई केयर एट योर डोर स्टेप ये स्कीम लॉन्च की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ओके, सो कर्नाटक के सीएम जो सिद्धारमैया हैं उन्होंने लॉन्च किया आशा किरण आई केयर एट योर डोर स्टेप, जिसे फ्री आई केयर सर्विसेज फैमिलीज़ को इन कर्नाटका प्रोवाइड की जाएगी। और इस स्कीम को लॉन्च किया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। और ये कौन से प्रोग्राम के अंडर आता है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, who has recently in February 2024 received a special award at the Lokmat Maharashtrian of the year 2024. Lokmat Maharashtrian of the year 2024 ये special award किसको मिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ईशा अंबानी। ईशा अंबानी who is the director of Mumbai Maharashtra based Reliance Retail Ventures Limited, इनको special award दिया गया है Lokmat Maharashtrian of the year 2024 जो सेरेमनी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। सो ईशा अंबानी was honored because of her contribution in the field of business. According to the 2023 Burgundy Private Hurun India 500 released by Axis Bank Burgundy Private and Hurun India in February 2024, कौन सी company emerged as the India's most valuable company for the third consecutive year? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो अकॉर्डिंग टू द 2023 बर्गेंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिलीज बाय द एक्सिस बैंक बर्गेंडी प्राइवेट एंड हुरून इंडिया इन फरवरी 2024, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, वो भी लगातार तीसरे साल। दूसरे नंबर पे कौन आता है? और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल बताया गया है इसको 15 लाख करोड़ रुपीस के वैल्यूएशन के साथ में, फॉलोड बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विद 12.36 लाख करोड़ रुपीस का वैल्यू है। HDFC बैंक यहाँ पर थर्ड स्पॉट पर रहा 11.25 लाख करोड़ रुपीस के साथ में। सो टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू 2023 के बर्गेंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 कंपनीज़ का जो इन्होंने यहाँ पर डेटा लिया उसका टोटल वैल्यूएशन 231 लाख करोड़ रुपीस यानी कि 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर की कंबाइंड वैल्यू बताई गई टॉप 500 कंपनीज़ की, जिनमें से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 15 लाख करोड़ जो है वो किसका था? यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर NICL असिस्टेंट मेंस कंप्लीट GA बैच आपका अवेलेबल है, शीतल कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा NICL AO मेंस के लिए भी GA बैच है, शीतल कोड अप्लाई करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर आपका स्टैटिक GK के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराए हुए हैं मैंने, तो GA का आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी और इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उस बेस पर यहाँ पर मैंने आपके इस बारे वाले क्वेश्चंस रखे हैं, उसी पैटर्न पर यहाँ पर रखे जिस टाइप के पैटर्न में आते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा करंट अफेयर जो है वो आपका जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, उसके अलावा दिसंबर और मार्च मंथ का भी आपको मिलेगा, दिसंबर से लेके मार्च मंथ तक का मैराथन सेशन भी मिलेगा इसके अंदर। सो शीतल कोड अप्लाई करो, ऑलिवबोर्ड ऐप पर मिल जाएंगे आपको ये दोनों कोर्सेज। नेक्स्ट है आपका US रिसेंटली इन Feb 2024 कन्फर्ड विद द विशिष्ट सेवा मेडल फॉर डिजाइनिंग एन इनोवेटिव ड्रोन कॉल मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वरिंदर सिंह फ्रॉम सिख रेजिमेंट. सो वरिंदर सिंह फ्रॉम सिख रेजिमेंट हैज़ बीन कन्फर्ड विद विशिष्ट सेवा मेडल फॉर डिजाइनिंग एन इनोवेटिव ड्रोन कॉल्ड मल्टीपर्पस ऑक्टोकॉप्टर. तो ये मल्टीपर्पस ऑक्टोकॉप्टर बनाने वाले हैं, ये एक टाइप का इनोवेटिव ड्रोन है और इसके लिए जो हवलदार वरिंदर सिंह है सिख रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी के, उनको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया. ही वॉज वन ऑफ द 130 विशिष्ट सेवा मेडल अवॉर्डीज जिनको द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 जनवरी 2024 को अनाउंस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकंड टू आंसर दिस. ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ए बी एन सी. 11th एडिशन फॉर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट निकाला गया जिसके अंदर 2024 क्लास ऑफ 2024 फीचर्स 37 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग अ टोटल ऑफ 9 वेमेन जिसके अंदर 9 महिलाएं भी शामिल हैं. फिर इसके अलावा आदित्य पलीचा एंड केवल्या बोरा को फाउंडर्स ऑफ जेप्टो यंगेस्ट विनर्स बोले गए हैं ऑफ क्लास ऑफ 2024 लिस्ट. क्लास ऑफ 2024 विटनेस द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कैटेगरी यानी कि B2B बिजनेस टू बिजनेस फीचरिंग श्रेयांश चोपड़ा फाउंडर एंड CEO ऑफ एमस्टेक एंड स्प्रिहा बिस्वास चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एंड हेड ऑफ मार्केटिंग ऑगनीटो. तो ये यहाँ पर इसके अंदर इनको फीचर मिला है. तो 37 टोटल इंडिविजुअल्स हैं जिनमें से 9 वेमेन आर देयर. आदित्य पलीचा 21 ईयर्स के हैं, केवल्या बोरा इज ऑल्सो 21 ईयर्स ओल्ड, को फाउंडर्स हैं जेप्टो के, यंगेस्ट विनर ऑफ द क्लास ऑफ 2024 लिस्ट के हैं. प्लस यहाँ पर नई कैटेगरी जो आई है B2B बिजनेस टू बिजनेस जिसमें श्रेयांश चोपड़ा है. इसके अलावा यहाँ पर कौन है? स्प्रिहा बिस्वास है. श्रेयांश चोपड़ा फाउंडर एंड CEO एमस्टेक के हैं और स्प्रिहा बिस्वास जो है वो CPO एंड हेड ऑफ मार्केटिंग है ऑफ इनकॉग्निटो कंपनी. राइट. नेक्स्ट है, इन फेब्रुअरी 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑनर्ड the winners of the 16th National Youth Parliament Competition for Universities and Colleges 2019 से 20 वाले ईयर के, which university received the running shield and trophy for standing first at the national level. क्या होगा correct answer? Correct answer would be Central University of Punjab. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है उसको बेसिकली यहाँ पर क्या मिला है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस टाइप के अवार्ड्स देती हैं, विनर्स अनाउंस करती हैं, उनको ऑनर करती हैं. इस बार 16 फरवरी को 16th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज चलाया गया 2019 से 20 वाला. और इस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर आपको क्या याद रखना है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब याद रखना है. Which of the following personalities has been recently in February 2024 awarded the 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? 58th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोथ 1 और 2। मैम मार्च की भी करंट अफेयर्स की वीडियो बना दो। ओके एकलव्या, मार्च की करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, किस दिन करानी है ये बता दो बस मुझे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 58 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो मैम 2 पर्सनालिटीज़ को दिया गया है। लेजेंडरी इंडियन पोइट एंड लिरिसिस्ट है सपूर्ण सिंह कालरा ऑल्सो नोन एज गुलजार फॉर उर्दू, एंड इंडियन स्पिरिचुअल लीडर एंड स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी फॉर संस्कृत। ठीक है, द अवार्ड इज़ बीइंग गिवन फॉर द सेकेंड टाइम फॉर संस्कृत लैंग्वेज एंड फॉर द 5th टाइम फॉर उर्दू लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज में ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है लिटरेचर का, 58 नंबर का दिया गया इस बार 2023 ईयर के लिए। ये संस्कृत लैंग्वेज के लिए दूसरी बार संस्कृत लैंग्वेज वाले कोई विनर हुए हैं और उर्दू के अंदर ये 5th टाइम दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट held at Dubai UAE in February 2024। आंसर करो फटाफट से, 10 seconds you have guys। yes, उर्दू में गुलजार जी हैं और संस्कृत में राम भद्राचार्य जी, राइट। ओके टाइम्स अप गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल A, B and C। ठीक है, ओके ठीक है एकलव्या, आई डू समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेटेड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इन दुबई UAE। address the summit centered on the theme of the summit shaping the future governments, so India's iRASTe intelligent solutions for road safety through technology and engineering project won the 9th GovTech prize under the AI powered government services category। अब road and transport authority RTA of Dubai has signed an agreement with Joby Aviation to launch world first electric air taxi in Dubai UAE by 2026। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो दुबई की है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जॉबी एविएशन के नाम से। जॉबी एविएशन के नाम से एक कंपनी है, उसके साथ में मिलके ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस दुबई में शुरू करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक भी होगी और हवा में उड़ने वाली टैक्सी सर्विस होगी, बहुत सारे लोग उसमें यहाँ पर घूम सकते हैं। टैक्सी सर्विस मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से इधर लाना, इधर से उधर ले जाना, वो भी दुबई यूएई के अंदर कब से 2026 से शुरू करना चाहते हैं। इंडिया का iRASTe विच इज़ इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के थ्रू रोड सेफ्टी के इंटेलिजेंट सॉल्यूशन जिसको iRASTe कहते हैं, ये प्रोजेक्ट ने 9th GovTech प्राइज जीता अंडर द AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी। ठीक है, so all are correct। in which city Indian Air Force has recently demonstrated the exercise Vayushakti 2024 in February 2024? क्या होगा correct answer? करेक्ट आंसर हो जाएगा पोखरान, राजस्थान। ठीक है, सो इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति 2024 जो 17 फरवरी 2024 को यहाँ पर हुआ, उसमें पोखरान एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर इन राजस्थान इन्होंने शुरू किया है वायु शक्ति 2024 के नाम से। सो 2024 की जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है, इसने यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन विद इंडियन आर्मी के साथ में यहाँ पर इन्होंने किए। अब एयरफोर्स ने कंडक्ट कराया क्योंकि वायु शक्ति है, तो वायु मतलब एयरफोर्स का ही मैम यहाँ पर ये मेन एक्सरसाइज होगी। तो एयरफोर्स ने जो वायु शक्ति कंडक्ट कराया जैसलमेर राजस्थान में कराया, उसके पोखरान रेंज के अंदर, लेकिन इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ में भी कुछ जॉइंट ऑपरेशंस किए कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आर्मी को एयरफोर्स के साथ में मिलकर लड़ना पड़े, है ना, तो ताकि इस टाइप का दोनों टाइप की आर्मी और एयरफोर्स के बीच का जो तालमेल है वो बेटर हो सके। एंड एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 वॉज बेस्ड ऑन द थीम लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, है ना, कि पूरे बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से ऊपर आसमान से बिजली कड़काना, वो इसका क्या था, थीम था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है बैंकिंग 2024 ऑफिसर बैच, इसमें आप शीतल कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस हैज साइंड एन एमओयू विद विच IIT टू प्रमोट कोलैबोरेटिव बायोमेडिकल रिसर्च. क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IIT रुड़की. ठीक है, सो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस हैज साइंड एन एमओयू विद IIT रुड़की के साथ में. तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज जो एमओयू साइन करती है IIT रुड़की के साथ में, ये बेसिकली यहाँ पर दोनों साथ में मिलकर बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करने वाले हैं, जिससे यहाँ पर मेडिकल सपोर्ट एंड पेशेंट केयर जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके. IIT कानपुर ने इंडिया का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टेस्ट टनल फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप किया था. अगर बात करूं IIT मद्रास की, तो इसने नया कैंपस कैंडी श्रीलंका में खोला है. आर्सलर मित्तल ने IIT मद्रास के साथ में मिलकर हाइपरलूप फैसिलिटी तमिलनाडु में खोला है. रिलायंस जियो ने IIT बॉम्बे के साथ में मिलकर भारत GPT लाने की बात कही है, और IIT गुवाहाटी असम गवर्नमेंट के आरोहन स्कीम को ओवरस्टेम को लेके यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं. नेक्स्ट है आपका इंडियन एयरफोर्स विल होल्ड द वायुशक्ति 2024 मासिव एक्सरसाइज पोखरान में हुआ, लेकिन लास्ट एडिशन वायुशक्ति का कब हुआ था? इन द ईयर 2019 में हुआ था. नेक्स्ट इज विद विच कंट्री नासा विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट. ये इकलौता दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जो है वो किसके साथ में मिलके नासा इसको 2024 में लॉन्च करने वाला है? तो याद रखना जापान जो है उसकी जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है जेक्सा, और नासा की कौन सी है? दैट इज US की कौन सी है? नासा. तो दोनों मिलके दुनिया की सबसे पहली लकड़ी का उपग्रह यानी कि वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट जो है वो स्पेस में भेजेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे. कौन से ईयर में? 2024 में ही मैम, इसी ईयर में. तो जो रिसर्चर्स है क्योतो यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने यहाँ पर सुमितोमो फॉरेस्ट्री नाम की जो लॉगिंग कंपनी है, जो इस टाइप के लॉगिंग कंपनी होती है जो लकड़ी के बड़े बड़े इस टाइप के लॉग्स काटते हैं, वुडन लॉग्स काटते हैं, तो उनके साथ में मिलके ये कह रहे हैं टिम्बर वुड की एक सैटेलाइट हम बनाएंगे. वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना मेटल जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल मटीरियल नहीं होते, उतने अच्छे नहीं होते, तो मेटल का ये एक ऑल्टरनेटिव है विच आर बायोडिग्रेडेबल मेटल यानी मैटर, यानी कि ये आपका ऐसा मटेरियल है जो बायोडिग्रेडेबल है, लकड़ी जो है उसको ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो इसको किया जा सकता है. विच कंट्री टेस्टेड द न्यू सरफेस टू सी मिसाइल पदसूरी 6. तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पर टेस्ट किया है एक नया सरफेस से सी में मिसाइल, मतलब आप सरफेस से छोड़ोगे और वो समुद्र में जाके अटैक कर देगी. पदसूरी 6 नाम है इसका. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया इस टाइप के बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह आजकल कर रहा है. वो हैज लॉन्च द सागर आंकलन गाइडलाइंस फॉर द इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स टू बूस्ट देयर एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस. एकलव्य इज सेइंग मैम आपकी वजह से IBPS क्लर्क क्लियर हो गया. पढ़ाई, आपकी पढ़ाई करंट अफेयर्स बहुत हेल्पफुल रही एग्जाम में. थैंक यू एकलव्य, थैंक यू सो मच. बट आपको श्रेय जाता है, यू डिजर्व इट बिकॉज यू स्टडी रियली वेल एंड रियली हार्ड फॉर योर एग्जाम. और कोशिश करो कि इस बार आपका SBI PO, IBPS PO इफ़ यू आर टारगेटिंग दैट, तो वो भी क्लियर हो जाए. इस लेवल का तैयारी रहे इस बार. ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखो, जब आपके पास में जॉब होती है ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है लाइफ में ना. जब आपके पास में जॉब है, यू आर अर्निंग, तो आपको लगता है कि घर की जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए अब हम तैयार हो चुके हैं. लेकिन वही जब एक अनएम्प्लॉयड पर्सन तैयारी करता है ना, तो उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट होता है, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं. तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट होता है, परफॉर्मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, परफॉर्मेंस भी गिर जाता है. तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप ऑन जॉब यहाँ पर तैयारी करके इस बार कैसे भी करके SBI PO क्रैक कर लोगे तो बहुत ही अमेजिंग होगा. एक लव है और बाकी स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। तो हार मत मानना, लगे रहो, बिकॉज क्या पता कब आपके लिए ये वाला जो अटैम्प्ट हो वो आपके लिए फाइनल अटैम्प्ट हो और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ये भी तो सोचो ना कि मैंने अभी इसको देना छोड़ दिया और क्या पता इसी बार मेरा सिलेक्शन होना था, इसी साल सिलेक्शन होना था, बड़ा बुरा लगेगा, है ना। और गवर्नमेंट जॉब जो है, बैंकिंग जॉब जो है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग जॉब है। Union Minister Sarbanan Sonowal has launched the Sagar Ankalan guidelines for the Indian Port Performance Index to boost their efficiency and improve competitiveness. Sagar Ankalan guidelines जो है वो किसके लिए लाई गई मैम? नेशनल बेंचमार्किंग ऑफ इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस, कि भारत के जो बंदरगाह हैं वो किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस होता है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनका नेशनल लेवल पर बेंचमार्क उनके लिए सेट होना चाहिए, which will be enforced through across all seaports in India with goal of boosting their efficiency and competitiveness. India के अंदर अभी 13 major ports हैं, जैसे दीनदयाल पोर्ट इन कांडला गुजरात, जिसको पहले कांडला पोर्ट भी कहते थे, मुंबई पोर्ट है, मुर्मुगाव पोर्ट जो है गोवा में है, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो आपका कर्नाटक में है, कोचीन इज़ इन केरला, चेन्नई पोर्ट है, एनोर का कामरजार पोर्ट ये आपके तमिलनाडु, टूटीकोरिन, वीओ चिदम्बरनार तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता हल्दिया वेस्ट बंगाल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र। सो ये 13 मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं यहाँ पर भारत के अंदर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो कि जब ये आपका ग्लोबल मैरिटाइम इनोवेशन समिट हुआ तो उसमें 360 MOU साइन हुए, जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट था 8.5 लाख करोड़ के अराउंड, यानी कि 8.35 लाख करोड़ रुपीज़ के अराउंड, एंड अनाउंसमेंट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा और एडिशनल इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कितने हैं? 1.68 लाख करोड़ रुपीज़ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, हुआ एज अज्यूम चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये मैं दे रही हूँ आपका होमवर्क, जिसका आंसर आपको सबमिट करना है आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर। कम से कम यहाँ पर 20-30 स्टूडेंट्स का होमवर्क ज़रूर आना चाहिए, आफ्टर द क्लास आपको कमेंट बॉक्स में सबमिट करना है। अप्लाई शीतल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑलिवबोर्ड। ऑलिवबोर्ड पर आपको NICL असिस्टेंट मेंस का बैच मिल जाएगा, NICL AO का बैच मिल जाएगा, उन दोनों पर मैक्सिमम डिस्काउंट है अगर आप शीतल कोड अप्लाई करते हैं तो। अब मिलती हूँ कल इसके पार्ट 2 के अंदर 12 PM पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस। और जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर IBPS PO, क्लर्क या फिर IBPS SO में सिलेक्शन हो गया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। एंड जिनका नहीं भी हुआ है, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड, बिकॉज आपको पता है कि ये जो ईयर है ना, ये अब आपका ईयर है। नेक्स्ट ईयर आप लोगों को मैं बधाई दे रही हूँगी इस चीज़ के लिए, तो उसी टाइप का आपको मेहनत करना है, क्योंकि देखो जो ज़िंदगी में जिनको सफलता मिलती है, ज़िंदगी में जिनको कुछ फल मिलता है, वो उनको मिलता है जिन्होंने बिना रुके, बिना डरे, बिना थके मेहनत कभी नहीं छोड़ी। तो मेहनत करना ज़रूरी है, वो भी बिना डरे, बिना थके, बिना रुके, ठीक है। सो थैंक यू एकलव्य, थैंक यू सो मच। कुछ मार्क्स से रह गए, कोई बात नहीं, इस बार पक्का हो जाएगा मैम, आपकी वजह से IBPS क्लियर हो गया, आप बनाएंगे, ओके ओके, ठीक है। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलती हूँ आपसे कल 12 बजे ऑलीबोर्ड YT चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कल मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। और पार्ट 2 के अंदर मैं आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस और इसके अलावा कुछ स्टैटिक GK के क्वेश्चंस भी ऐड करूँगी, तो कल कुछ मैं चेंजेस करने की सोच रही हूँ, और आई होप कि आपको वो चेंजेस बहुत पसंद आएंगे हमारे इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलती हूँ आपसे कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।